Hello, people. तो कैसे आप लोग? एक्चुअली आज मैं आई थी काम से और मेरे साथ कोई है लेकिन जो आज ब्लॉग में आने से मना कर रहा है बिकॉज उसका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है। दिखाऊं कौन है? हेलो अभी कह रहा था मेरे को व्लॉग में मत ले, मेरा मूड आज अच्छा नहीं है। अभी ऐसे हाय हाय क्यों कर रहे हो? इनको देखने के लिए तो एक्साइटमेंट रहता है। तो अभी हम आए हैं शेकी बेकी। तो हम एक्चुअली आए थे कुछ काम से और सडनली हमें लग गई थोड़ी भूख तो हम लोग ढूंढ रहे थे पार्किंग। हाँ, फिर हमने ये जगह देखी, फिर हमें इसके सामने मिल गई पार्किंग, तो हमने ये जगह देख ली। फिर हमने जैसे जगह देखी हमें कुछ और भी दिख गया। हमें दिख गया ये। तो अब ये देख के किसको भूख नहीं लगेगी, है ना? ये जो इनकी स्ट्रेटजी है फोटोज लगाने की, दैट रियली वर्क्स फॉर अस। दैट रियली वर्क। मैं तो जा रहा हूं अंदर। मैं भी जा रही हूं अंदर। चलो चलो चलो। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, है ना? तो मैंने ऑर्डर किया है तंदूरी, वेज तंदूरी तड़का रोल। तुमने? चिकन एग रोल और एक मैंगो शेक। मैंगो शेक तो मेरे लिए है ना? एक मैंगो शेक। मेरा दो लोग पी सकते हैं, आप ट्राई करो, दोनों पी सकते हैं। दोनों नहीं पी पाएंगे। मुझे टेस्ट करना था मैंगो शेक, अगर ठीक लगा तो मैं एक और एक मंगाऊंगा, नहीं ठीक लगा तो आई विल गो फॉर चॉकलेट कैरमल मिल्क शेक, जो इनका सिग्नेचर मिल्क शेक। तो मैंगो अच्छा नहीं लग रहा है, काम सिग्नेचर वाला। आपको याद है मैंने एक ब्लॉग बनाया था एक जगह का जिसका नाम था छोले, उसके दो शॉप्स आगे है ये शेकी बेकी, डायगनली ऑपोजिट श्री जी। अभी टाइम है 6:45, तो इवनिंग थोड़ा सा कुछ चटर पटर हो जाए, मेरा इंटरमिटेंट अब जाके ख़त्म हो रहा है बिकॉज कल रात को मैंने बहुत लेट खाया था, तो मैंने अपने आप को पनिश किया आज पूरा टाइम। सो नाउ आई एम गोना ईट वेज तंदूरी तड़का रोल। जिम भी जाना है तो ये परफेक्ट टाइम है, खा कर डाइजेस्ट होते हम लोग दो तरफ करने जा सकते। सो इट्स पराठा, थिक पराठा, पराठे के ऊपर अंडा, अंडे के ऊपर चिकन। नो इट्स चिकन, चिकन रोल। सो दिस इज वेज एंड दिस इज So good. चिकन एकदम सॉफ्ट है, प्रॉपर खीमा है, दो अंडे डलवाए मैंने, जूसी है, मेरा बहुत टेस्टी है। इसमें पोटैटो है और अनियन है, बहुत सारे मेयो So refreshing. और इस मौसम का मेरा पहला आम।
I love mangoes. Genuinely. पहला आम है ये मेरा। पर हमें आम क्यों पसंद है पता? दो कुछ दो, नया दो। क्योंकि हम आम लोग। आम लोग। I knew this. मुझे कैसे नहीं पता कि स्टेक कुछ अजीब ही देने वाला है। तेरी नजर है मेरी, मुझे खबर है। मेरे पास आ रहा था रोल, देखो रोल चल के मेरे पास आ रहा था। ये चालू चपाती है पता है, अपना भी खा जाता है मेरा भी खाता है, और फिर भी दुबला पतला रहता है। खा लिया है, ठीक से खा लिया है, पेट भर के खा लिया है, पेट पूजा हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जाएंगे हम लोग जिम। देखो जी, काम कोई भी हो, हमें तो सिर्फ खाना सा हो जाता है। सो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, पहले तक मेरा मूड थोड़ा खराब था क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था। जब इसको भूख लगती है ये लिटरली रोती है, she cries, मतलब आँखों में से पानी निकलता है। तो मुझे लगा अच्छा मस्ती कर रही है, मस्ती लग कर रही है, भूख लगी है, बट आँखों में से पानी निकला कि मुझे भूख लगी है। तुम नहीं समझ रहे हो, इसका मूड खराब नहीं होता, ये रोती है। थोड़ा सा रोने आ जाता है, मुझे रोना आ जाता है। हमने निकलते हुए देख लिया कुछ फ्रूट वाले, और फ्रूट्स तो जैसे आपको पता है कि मेरे फेवरेट हैं, तो अभी हमने फ्रूट्स वाले देख लिए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ फ्रूट्स ले लिए जाएं घर के लिए, बिकॉज सब खत्म हुए हुए थे और गर्मी का टाइम है, तो फ्रूट्स खाएंगे। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ठीक है। चलते श्री ने देखा यहाँ पे दही वड़ा, और खाने के बाद श्री का मन है ललचाया, टेस्ट करना था मुझे। सो भैया अंकल जी यहाँ पे दही वड़ा लगाते हैं। सो स्वीट, आपका नाम क्या अंकल? माय नेम इज सुनील कारखानीस। खजूर इमली चटनी, वाओ अमेजिंग। वाओ, सो श्री ने इतना बड़ा रोल और शेक खान पीने के बाद, और रोल खाने के बाद, नाउ ही इज हैविंग दही वड़ा। मैंने बोला था ना ये भुक्कड़ है। रियली वीडियो मेरे भेजेंगे आप। गाइस डिलीवरी भी देते हैं, और आपको जो चाहिए जितना पार्टी ऑर्डर भी हम लोग लेते हैं, तो अंकल पार्टी ऑर्डर भी लेते हैं, होम डिलीवरी भी करते हैं। लोखंडवाला अगर बैक रोड पे आप आते हैं, तो जब आप जॉगर्स पार्क क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स मेगा मॉल, तो रास्ते में मिल्लत नगर पड़ता है, फॉर्म रेस्टोरेंट के एकदम सामने है, जहाँ बहुत सारे से फ्रूट्स वाले लगे होते हैं, तो अंकल छोटा सा स्टॉल लगा के खड़े हैं और बहुत टेस्टी है, प्लीज ट्राई जरूर कीजिए, बिकॉज बहुत टेस्टी दही वड़ा है, सॉफ्ट वड़ा। और खा रहे हो? ये क्या आदमी है? प्लेट का प्राइस है मात्र 30 रुपया, और 30 रुपए में आपको इतना टेस्टी क्या खाना। अंकल का नाम है सुनील कारखानी, इसमें अंकल का नंबर नीचे डाल रही हूँ, प्लीज 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 सपोर्ट हिम। ये बहुत बहुत टेस्टी और बहुत साफ सुथरा स्टॉल है, छोटा सा स्टॉल है, लेकिन प्लीज यहाँ आइए और दही वड़ा एंजॉय कीजिए। जी हाँ जी, तो चिकन रोल, मैंगो शेक, दही वड़ा, वाह वाह। तो दही वड़ा खाकर तो वैसे इसकी आत्मा हो गई है तृप्त, क्योंकि मैं काफी टाइम से दही वड़ा ढूंढ रहा था। अच्छा वाला ये घर का बना हुआ, yes. साफ सुथरे तरीके से सॉफ्ट वड़ा, फ्रेश दही,
लवली अमेजिंग चटनी आंटी ने बनाई है, तो आंटी मजा आ गया आपके हाथ की चटनी का। अंकल दोनों ने मिलके बनाया। हाँ, अंकल कहते हैं वो भी बनाते हैं, आंटी भी बनाती हैं, तो अगर आप दोनों बनाते हैं आप दोनों के लिए मुआ, मुआ, मुआ। सो जी पता नहीं चलता कब कहाँ कौन सी गली में कहाँ से आपको जबरदस्त खाना मिल जाए। देखो खाना कहीं से भी मिले हमारे लिए स्वाद सर्वप्रिय है। तो फिर इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यस, लव एंड पीस। प्लीज देखेंगे।